नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं अभी 24 न्यूज़। एक सड़क हादसा आप देख सकते हैं जो अभी अभी कुछ देर पहले ही होता है और फिलहाल यहां पहुंचे हैं। और एक ट्रक जो आप देख सकते हैं बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त है। किस तरीके से हादसा हुआ फिलहाल कोई जानकारी नहीं है। नेशनल हाईवे के ऊपर जो है आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये हादसा होता है और एक ट्रक बुरे तरीके से क्षतिग्रस्त है। फिलहाल उसे हाइड्रा की मदद से जो है हटाया जा रहा है नेशनल हाईवे से। जानकारी लेने का प्रयास करते हैं सर, तो बात करने की कोशिश करते हैं। मौके पर जो SHO हैं वो पहुंचे हुए हैं और ट्रक को हटाने का प्रयास किया जा रहा है हाईवे पे, और कैसे ये हादसा होता है जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। सर नमस्कार सर, हादसा सर कैसे हुआ सर ये नेशनल हाईवे पे सर? अभी ये आगे कोई वो टैंकर जा रहा था उसके साथ ये गाड़ी लग गई थी। हाँ। उसका ड्राइवर घायल हो गया था जिसको वो मौके से फरार है और जो ड्राइवर है वो घायल हुआ है सर? ज्यादा चोटें आई है? उसको चोटें आई, उसको हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया। तो यहाँ पर जो आपको बता दें कि जिस तरीके से बता रहे हैं कि एक यहाँ पर हाइड्रा की मदद से इसे अलग किया जा रहा है। और फिलहाल भैया आप ही थे इस ट्रक के अंदर? जी नहीं, आप बाहर ड्राइवर हैं। बाहर से आपने देखा था हादसा होते हुए? जी नहीं नहीं देखा, तो अभी अभी आए। अच्छा, अभी अभी आए हैं। तो ये जो ड्राइवर है बता रहे हैं इसको लेकर गए, अभी अस्पताल लेकर गए हैं। जी, तो यहाँ पर जो है फिलहाल ये जिस तरीके से ये हादसा जो है ये हुआ है, फिलहाल ट्रैफिक जो है ट्रैफिक की स्थिति फिलहाल काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ख़राब थी, लेकिन अभी जो है ट्रैफिक को निकाल दिया गया है, ट्रक को साइड में करके, और लगातार ऐसे हादसे हो रहे हैं। जो ट्रक का नंबर है वो आपको बता दें, UP नंबर है, UP81BT8071 नंबर है। और यहाँ पर जो देख सकते हैं आगे का जो हाथ जो ये हिस्सा है ये काफ़ी अंदर तक जा चुका है, यानी ड्राइवर इसके अंदर फंस गया था बुरे तरीके से। आप देख सकते हैं कि जो स्टेयरिंग है वो अंदर तक आ चुका है और ड्राइवर इसके अंदर फंस गया था, और उसे अभी फ़िलहाल अस्पताल जो है वो लेकर गया जाया गया है। लेकिन बताया जा रहा है कि कोई कैंटर था जिससे टक्कर हो जाती है और उसके बाद फिलहाल वो मौके से फरार है। लेकिन यहाँ पर इस तरीके के रोज़ लगातार जो है हादसे हो रहे हैं इस तरीके से, और कहीं ना कहीं अनदेखी होती है, तेज़ ब्रेक लगाने की वजह से हो जाती है। बता दें कि ये ट्रक अभी, क्योंकि इसने बचाने का प्रयास भी किया, उसने राइट टर्न में ये जाकर टकराने के बाद राइट में हुआ था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से काफ़ी तेज़ ब्रेक भी लगाए गए हैं हाईवे के ऊपर। आप ब्रेक्स जो है वो देख सकते हैं, काफ़ी तेज़ ब्रेक्स जो है लगाते हुए यहाँ पर जो इस ट्रक ड्राइवर ने लगाया था। लेकिन यहाँ पर जो है फिलहाल चोटें उसे आई हैं, अस्पताल उसे पहुँचा दिया गया है। और यहाँ पर फिलहाल आपस में जो बता दें, जो यहाँ पर पूरी जानकारी आसपास के इलाके में दे दी गई है, ट्रक के बारे में कोई भी ऐसी जानकारी जो है वो भी यहाँ पर लेने का प्रयास करेंगे। आपसे प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। तो यहाँ पर आपको बता दें कि इस ट्रक को फिलहाल नेशनल हाईवे पर बिल्कुल साइड में कर लिया गया है। यहाँ पर फिलहाल जो है हाइड्रा की मदद से इसे साइड में किया गया है। इस तरफ से आप देख लीजिए, ये जो कैबिन है दूसरी तरफ से पूरा अंदर है, और ड्राइवर को बता रहे हैं कि चोटें काफ़ी आई थी लेकिन उसे अस्पताल पहुँचाया गया है। लगातार ऐसे हादसे हो रहे हैं और नेशनल हाईवे पर रोज़ ऐसे हादसे होते हैं, फिर भी कहीं ना कहीं लोग अनदेखी करते हैं, लोग ध्यान नहीं देते हैं। और यहाँ पर लोगों से अपील करेंगे कि जब भी वो घर से निकलते हैं अपनी गाड़ी की, चाहे ब्रेक्स हों या कोई गाड़ी के कागज़ हों या अपना किसी भी तरीके से, ना तो ड्रिंक करें, क्योंकि ऐसे हादसे काफ़ी सारे कारणों की वजह से होते हैं, कोई भी एक कारण नहीं होता है। आपसे अपील है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। फिलहाल इस ट्रक को जो है साइड में कर दिया गया है और अभी भी इसे जो है हाइड्रा के जो है बुलाकर, क्योंकि हाइड्रा यहाँ पर बुलाकर इसे नेशनल हाईवे से अलग जो है दूर कर दिया गया है। और आपसे पहले इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। तो बता दें कि इसे फ़िलहाल टोचन करके जो है लेकर जाया जा रहा है इस ट्रक को, और यहाँ पर देख सकते हैं कि कैसे लगातार सड़क हादसे बढ़ते हुए। हालांकि नेशनल हाईवे की स्थिति कुछ ऐसी थी कि अभी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ट्रैफिक की स्थिति बनी हुई थी, उसे फ़िलहाल खोल दिया गया है और इसे फ़िलहाल साइड में फ़िलहाल उठाकर जो है किया जा रहा है, क्योंकि चलने की हालत में इस वक्त में ये ट्रक बिल्कुल भी नहीं है। तो आपसे अपील, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें, ठीक है? और फिर से जुड़ेंगे आई बी 24 के ऊपर। तब तक के लिए जय हिंद। लेकिन इतना कहना चाहेंगे, जब भी सड़क पर चलें ध्यान से चलें, ना शराब पीकर चलाएं,
और तेज़ रफ्तार पर ना चलाएं, ब्रेक्स जो होती हैं तेज़ ना लगाएं, पीछे से आ रही गाड़ी अचानक से टक्कर मार देती है और ये हादसा भी कहीं ना कहीं इसी वजह से ही साफ तौर पर देखा हुआ लगता है। धन्यवाद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।